जीरा बुकी मंगवाया, काला नमक मंगवाया, खीरा मंगवाया है, बिस्लरी पानी मंगवाया सर, बिस्लरी, ये सब अपने से दे रहे हैं? जी हाँ अपने से दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना जुनून है। सीपी चौधरी गिरिडीह लोकसभा से निकल रहे हैं, वो हमेशा के लिए बाय बाय। क्या बाय बाय कर दिए? बाय बाय हमेशा के लिए। क्या चश्माला भैया, बाय बाय। आप सीपी चौधरी ऐसा गिरेगा कि लाइफ में आप फिर कभी नहीं उठ पाएगा। सीपी चौधरी का टाइम खत्म, द एंड हो गया। अब आया टाइगर का समय, इसका समय आप चलते रहेगा। एकदम मतलब आंख बंद करके मार देना, आंख बंद करके दबो जरा मत दबो। तो है ठीक है बा, जरा मत दबो, जरा मत दबो। हां गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी को दिखाता है ना, और हमारे जो है क्या बोलते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल में जीतने के बाद एक बार आता है इस पंचायत को देखने के लिए सिर्फ वोट के समय, और नहीं तो और कभी नहीं आते हैं। माहौल गरम है, गरम हो गया है। हाँ, जरा माता जिताना है। अरे बाप रे बाप, पूरा माहौल गरम है ना। पूरा माहौल गरम है, क्या कहिएगा। और लोग भी प्रत्याशी आएंगे, और उन लोग उतना काम नहीं किया है, अच्छा से बोलता नहीं है, ये अच्छा से बोलते हैं। बीपी चौधरी जीता है, अभी तक हमको कलवड़ी नहीं मिला है, धस किया बच गए हम। कलवड़ी तो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है ना तीन गो चार गो। जोहार नमस्कार, मैं हूं शिवराम, आप देख रहे हैं झारखंड नव निर्माण। पहली बार मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि यहां पे जेबीकेसेस का छोटा छोटा नुक्कड़ सभा चल रहा है। वहीं आप देखेंगे एक भैया है जो चश्मा पहने हुए और खीरा बांट रहे हैं। जितने लोग आए हुए उनको खीरा खिला रहे हैं खुशी से। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। दादा सबसे पहले स्वागत, जोहार। जोहार, आप देख रहे हैं पहली बार अनोखा काम आपको हम देख रहे हैं जी। पूरा एकदम ठंडे ठंडे खीरा खिला रहे हैं आप। यहाँ पूरा भेंडरा पंचायत को कर लोगों को हम लोग चाहते हैं, हम लोग एक एकजुट होके झारखंडियों का अपना झारखंडी दिखाएं, और जो अपने खेत से उपजा हुआ चीज है वो बाड़ी से तोड़ के अपना भाई लोग को हम लोग खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, और जयराम ला के साथ में मिलकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो लोग अपना पैसा लोग लगाते नहीं जी, हम अपना पूंजी अपना पैसा लगा के लोगों को। सर मेरा जुनून है, आज तो आज 10 साल मेरा पीछा चल गया, मेरा घर का खेती गृहस्थी सब डूब गया था। आज जरा मेरा भैया जो आए जो मेरा पुराना त्योहार को देखते हुए नए जो उत्तम लाए हैं, गर्मा वो लाए हैं, बोला मिट्टी से हम लोग जुड़े जो लोग हैं सब जुड़ के एक्टिव होकर लाइए, हमको एक लोकसभा जिताइए, दो दो विधानसभा लाएंगे, तो किसानों के बारे में बहुत कुछ आगे हम सोचने का काम करेंगे। आज जितना भी अगर आप पुराने प्रत्याशी को देखेंगे तो खेती गृहस्थी में लोग ध्यान नहीं दिया, दर्री कुर्सी बांटने का काम, पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया भैया। और क्या बोला सर, मेरे पैर में जो भी किए एक्टिव है और एक्टिव करेंगे, इसके लिए हम इच्छुक हैं। जो भी कर रहे हैं अपने घर से कर रहे हैं, पैकेट से कर रहे हैं। क्या लग रहा है सीपी चौधरी 5 साल काम किए, उनके काम को किस रूप में देख रहे हैं? सर मेरा गांव का क्या, हम लोग तो छोड़िए, मेरी माँ बहन बेटी लोग उनके शकल नहीं देखे, काम की बात तो छोड़िए, काम तो कहीं भेंडा पंचायत में दिख ही नहीं रहा। इसीलिए हम लोग जोर जोर से लगे हैं कि ये गरीब का बेटा, हम लोग गरीब मिलकर उनको उठाएंगे, गरीब मिलकर गरीब को उठाएंगे, उठाएंगे जी हाँ। और दूसरा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो भी, वो भी आएंगे सर? आने का तो बहुत को आएंगे सर, मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं उस योग्यता में नहीं हूँ। तो आने का तो आया, क्या कर दिया सर, मथुरा प्रसाद महतो भी आपके लोग विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हम लोग का नजर में नहीं आए। आज वोट का समय आया तो वोट छीनने के लिए गरीबों का रुलाने का काम करने वाले लोग हैं, और आज जो जरामदा है 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो लॉकडाउन से हम जनता के हित में आके जनता के साथ काम करेंगे। क्या क्या रखे हैं थोड़ा सा बताइए ना, क्या क्या रखे हैं? जीरा मंगवाया सर, जीरा बुकी मंगवाया, काला नमक मंगवाया, खीरा मंगवाया, बिस्लरी पानी मंगवाया सर, बिस्लरी, ये सब अपने से दे रहे हैं? जी हाँ अपने से दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना जुनून है, जयराम जी को लाने के लिए लोग इतने अपने घर से अपना पैकेट से पैसा लगा रहे हैं, और ये मतलब ये लोग का चाहत है कि जयराम जी एक बार आए, 2024 में इनको जिताना है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा क्या लग रहा है, खीरा खा रहे हैं? खा लिए, खीरा खा लिए। जयराम महतो को ही अब की बार जिताना है, बीपी चौधरी जीता है, अभी तक हमको कलवड़ी नहीं मिला है, धस किया बच गए हम। कलवड़ी तो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है ना तीन गो चार गो 5,000 अभी है, 20,000 दीजिए पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे बोलिए, ऐसा ही स्थिति है। घूस के नाम पर आपको पैसा मांगता है? हमको नहीं मांगा, नहीं देता है लोग चुपकी से, चुपके चुपके देता है। हाँ तो ककर वोट दीजिएगा? पर जयराम महतो देंगे हम, जयराम महतो दीजिएगा। हाँ जो होगा जो लगे गोली ले जाए छोड़ा लगे देंगे हम। क्या क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है? माहौल गरम है, गरम हो गया है। हाँ जरा माता जिताना है। अरे बाप रे बाप, पूरा माहौल गरम है ना। पूरा माहौल गरम है, क्या कहिएगा। और लोग भी प्रत्याशी आएंगे, और उन लोग उतना काम नहीं किया है, अच्छा से बोलता नहीं है, ये अच्छा से बोलते हैं। हाँ
तो क्या लग रहा है कि मथुरा प्रसाद आएंगे, सीपी चौधरी आएंगे, उन लोग को वोट नहीं देना है? नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। कोई सिखा पढ़ा दिया है क्या आप लोग? कोई नहीं सिखा पढ़ा है, कौन सिखाएगा हमको? तो आप लोग बोल रहे हैं उन लोग को वोट नहीं देंगे, जरा मतलब वोट देंगे? हाँ, जरा मा तो वोट देंगे, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि कोई सिखा दिया? नहीं, कोई नहीं सिखाया, कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाया, नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है कि नौजवान लड़का है, अच्छा काम करेगा, इन्हीं को एक बार देखा जाए, एक बार देखा जाए ना। और एक और भैया है, आइए आइए, थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपसे। क्या लग रहा है, युवा जोश किधर जा रहा है? देखिए, इस बार जो है सबको मन बना लिया है कि हमारे बड़े भाई जयराम जी को ही वोट देंगे। है कि जो जो नेता हम लोग के युवा के रोजगार के बारे में बात करता है, जो नेता महंगाई के बारे में बात करता है, जो नेता वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के बारे में बात करता है, उसको नेता को हम लोग मानते हैं और उसी को वोट देंगे। जयराम महतो, एक बात बता दी, अभी मुद्दा क्या चल रहा है, पूरा मीडिया में मुद्दा क्या चल रहा है लोकसभा को लेकर के? मुद्दा चल रहा है कि इस बार जो है हम लोग जयराम महतो का मन बना लेंगे। जयराम क्या बात करते हैं, मीडिया में सब चल ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया में उसी बीजेपी का चलता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप जनता आप जान गई, जनता जान गई, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जनता जान गई है कि गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी को दिखाता है ना। और हमारे जो है क्या बोलते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, 5 साल में जीतने के बाद एक बार आता है इस पंचायत को देखने के लिए, सिर्फ वोट के समय, और नहीं तो और कभी नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, मन क्या है आपका? इस बार हम लोग सबका मन है कि जो है ना जयराम भैया को ही वोट मिलेगा, और चंद्र प्रकाश चौधरी का भी ठेंगा सबको दिखा दिया, ठेंगा दिखा दीजिएगा इस बार। क्या लग रहा है इस बार, बहुत हंस रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा? जयराम 18 साल हो गया, 18 साल हो गया, किसको वोट दीजिएगा? जयराम महतो को देंगे। जरा मत दीजिएगा, कहे दीजिएगा जी, इतना आप लोग कहा उसके पीछे पड़ा? वो हम लोग के लिए हित के लिए बात करता है, बात करता है। क्या लग रहा है, सीपी चौधरी बात नहीं करते हैं क्या? सीपी चौधरी देखिए अभी जीत के गया रामगढ़, वो एक भी बार नहीं आया इधर, जीत के गया, तो एकदम मन बना लिए उसको एकदम। हाँ, हम लोग मन बना लिए उसको वोट देंगे। वोट किधर जाएगा इस बार? इस बार वोट जयराम महतो को जाएगा। जयराम महतो जाएगा, जयराम दा साहब, आप लोग जयराम जयराम कर रहे हैं जी, एकदम एक ही नारा लोग गिरिडीह लोकसभा में, जयराम जयराम दा, अब की बार जयराम दा के। मगर लोग ये कह रहे हैं कि माहौल जो है वो सीपी चौधरी सीट निकाल लेंगे। अब माहौल देखिए, अब माहौल उस सब पैसा दारू मुर्गा में बिकने वाला नहीं है, गिरिडीह लोकसभा जनता दारू मुर्गा नहीं बिकेगा, अब नहीं बिकेगा पैसा। अब एक तरफ टाइगर जयराम दा को नोट भी देना है और वोट भी देना है। नोट भी दीजिएगा और वोट भी देंगे? अरे बाप रे, कितना नोट दीजिएगा? पूरा जितना सहयोग हो सकेगा, 400, 500, 200 जो होगा सब देंगे, देंगे ना। हाँ, देख सकते हैं। और भी यहाँ पे हैं, क्या लग रहा है, बहुत हंस रहे हैं जी, खीरा खा रहे हैं भैया यहाँ पे, सेवा दे रहे हैं, खीरा दे रहे भैया है ना। तो क्या आप क्या करिएगा? बस जयराम महतो जिताना है, आप लोग साहब हैं जी, जयराम जी जयराम, जयराम महतो जिताना है। हाँ, तो जिताना है, एक ही नारा, एक ही नारा, जयराम महतो इस बार, ओनली जयराम। सीपी चौधरी गिरिडीह लोकसभा से निकल रहे हैं, वो हमेशा के लिए बाय बाय। क्या बाय बाय कर दिए? बाय बाय हमेशा के लिए। क्या चश्मा वाला भैया, बाय बाय। आप सीपी चौधरी ऐसा गिरेगा कि लाइफ में आप फिर कभी नहीं उठ पाएगा। सीपी चौधरी का टाइम खत्म, द एंड हो गया, अब आया टाइगर का समय, इसका समय आप चलते रहेगा। यहाँ बैठा रहा ककरा सुने वास्ते आ? जैसे हमारे रह गए थी ना, घर घर देते की ना, घर नेता जी जानते हाँ, तो कह तो पिछला बार जब वोटवा दला वो नेतृत्व तो की दल को कहा कुछ दल कुछ ना दल कुछ ना वोटवा ऐसे दे दल फ्री में तो ना दे लो दे लिए वोट तो ना दे तो की कर अरे और ठाक तो ये और ठाक तो टका कैसे जान में ठाकते से का लाइन ना रे मारो अभी तो ठाक तो ना देता वो जाने नतवे हम तो जाना ये बहुत अच्छी करवाई है जो देता है हम पूरा एग्जाम के की करवाई मोटा आदमी ना लगो तो फिर कैसे मोटा लड़की करती हो एकर रहती है नहीं मोटा को एकर बात वो है ना अच्छा अच्छा बात अगर बोले मतलब ये तो कोई बात है ऐसे हम वही ना तुमान को ना मतलब बड़ा ना बात रहते तो काय ना तेरे नेता को उसी तो नेता ना हो सकते की दादी ककरा वोट देबी अमरी ककरा देबी ककरा को जे आइले ये आलो ये आयो के तो आई खाते हमरा हम नेता ना हम नहीं खड़ा वाली वोट में तो वो कोई गार्डन लागि नहीं हमें नेता में नहीं खड़ा वाली हो हम तो पूछे वाली तो ककरा देबो
नोट ना दिए पड़ता पैसा कोई दारू मुगरा ना बाहर जे तो दारू मुर्गा थोड़ा जो खाए लगा कोई खराब पड़ता अच्छा तोहनी के कोई सिखाए पढ़ाए दिले सिखाए पढ़ाए की देते नहीं जानते की नहीं कोई जग मोहनी दिले हो नहीं ना की जग मोहनी देते सिखाए पढ़ाए दिले कच्चे नहीं नहीं जग मोहनी पढ़ी लगे की जग अपन गांव के लगे तो ताई तब अच्छा अपन गांव के लगे सिली तो गांव घर के लगे सिली ने की लगे सीपी चौधरी है तो मथुरा प्रसाद है तो सब सीपी चौधरी काम में कर लियो ना कुछ ना कर लियो आज जो झारखंड में विकास लो वो बर्बाद कर दलियो कुछ ना दबो जराम दाग दबो एकदम मतलब आंख बंद करके मार दो आंख बंद करके दबो जराम मत दबो तो है की काबा जराम मत दबो जराम मत दबो हां अगर दिए के पीछे कुछ कारण बतवा खाई लबो वो हमने खा रंगना लाल से लग रहा था दूसरे के यानी सब कह रहा मैं अपने कह रहा है मैं कर तो ऐसा तेरे करे तो मैं फटवा हमने सब तो है बच्चा गोदी में बच्चा रख ले है तो इस बार जे सोच रहा है वोट दिए के ककरा दबा मेरा मत हां और नोट में ना बिकवा नोट में ना बिकवा नोट में बिकवे तब जगह में हमरा लाभ होए तब जीवे नोट में नोट आके नोट वा कई दिन चलते देख सकते हैं यहां पे जयराम जी भी पहुंच चुके हैं लोग यहां पे आए हुए हैं उनको सुनने के लिए सुनेंगे हां उनके विचारों को सुन रहे थे कैसा लगा उनका विचार दिखाते हैं उनका एंट्री जय राम मातो 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 जय राम मातो